दोस्तों अगर आपका फोन आपको देता है पूरा एक्सपीरियंस एकदम फास्ट एंड स्मूथ, तो आपको साथ में चाहिए होगा आपका पूरा म्यूजिक एकदम पूरी हार्मनी अनफिल्टर्ड के साथ। और ऐसा ही कुछ आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है OnePlus की नई लेटेस्ट OnePlus Buds 3 के साथ में। तो आज इन्हीं को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि पूरा ओवरऑल पैकेज कैसा है इन्हीं OnePlus के लेटेस्ट ईयरफोन्स बड्स 3 का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस हम पहले देख लेते हैं, बिकॉज द पैकेजिंग इज एग्जैक्टली लाइक OnePlus जैसा होता है टिपिकली। और हमारे पास में सबसे पहले इस स्प्लेंडेड ब्लू कलर में, मैं ये बना नहीं रहा हूँ, दिस इज द एक्चुअल नेम, स्प्लेंडेड ब्लू कलर में ये हमारे पास में बड्स 3 रखे हैं। काफी एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा डिजाइन लेके आते हैं, इनको हम देखते हैं बाद में। नीचे वी हैव OnePlus रेड केबल क्लब कार्ड, और बहुत ज्यादा लोग मेंबर बन गए रेड केबल क्लब के, ऐसा बताया हमको OnePlus ने। साथ में कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स हैं, और फिर ये एक छोटी सी रेड कलर की यूएसबी ए टू सी केबल। अगर हम बात करते हैं ईयरफोन्स की, तो ये जो स्टाइल है जिस तरीके से OnePlus पैकेजिंग यूज करता है, थोड़ा सा इनको यूनिक बनाती है, बिकॉज वो नॉर्मल वाला लगता है कि यार जो भी ब्रांड्स करें ना वो एयरपॉड की कॉपी है, बट दिस इज थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा हटके कि कुछ इस तरीके से आपको दिखते हैं ये। हैव अ क्लोजर लुक, फिर हम बात करते हैं कि आखिर इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं। मतलब अच्छा लगता है देख के कि जब ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स का जो डिजाइन करते हैं ना, वो काफी ऐसे मिलता जुलता करते हैं। लुक एट द कलर, कि कितना अच्छा ये ब्लेंड हो रहा है इस फोन के साथ में। और गाइस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस ईयरफोन की ना, तो मतलब न सिर्फ लुक्स, जो फीचर्स हैं वो इनको काफी यूनिक, काफी अच्छा बना देते हैं। एंड द बिगेस्ट रीजन जो मुझे लगता है ये क्यों इतने अच्छे हैं, वो ये कि इनका जो डिजाइन है वो है ड्यूअल ड्राइवर्स के साथ। और ड्यूअल ड्राइवर्स बेसिकली क्या है ना, कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको अक्सर हाई एंड ईयरफोन्स, हाई एंड हेडफोन्स से मिलती है। बिकॉज देखो, अलग अलग साउंड की फ्रिक्वेंसीज होती है, लो फ्रिक्वेंसी अलग है, मिड फ्रिक्वेंसीज अलग है, हाई फ्रिक्वेंसीज अलग है। अगर आप कार में भी बात करते हो फॉर एग्जांपल एक साउंड सिस्टम की, तो आपको एक प्रॉपर एम्पलीफायर जो लगाना है उसका एक बेस ट्यूब का अलग सिग्निफिकेंस है, ट्वीटर्स के अलग सिग्निफिकेंस है, बिकॉज दे ऑल केटर टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे हमारे पास में जो ड्यूअल ड्राइवर डिजाइन है उसमें क्या है, जो बड़े वाला ड्राइवर है वो है 10.4 mm का, और वो करता है केटर लोअर फ्रीक्वेंसीज यानी कि बेस की तरफ। और फिर हमारे पास में एक 6 mm का दूसरा ड्राइवर भी है टू केटर फॉर अदर फ्रीक्वेंसीज। तो ड्यूअल ड्राइवर डिजाइन की वजह से साउंड क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है। और अगर हम बात करते हैं एक बेसिक ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पास में कुछ ऐसा इसका केस है, ऊपर OnePlus की ब्रांडिंग है। खोलेंगे तो यहाँ पे ऐसे ईयरफोन्स रखे हुए हैं, यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है अगर आपको मैनुअली पेयर करना हो तो। सामने एक LED है टू नोटिफाई की बैटरी स्टेटस वगैरह क्या है, और पीछे यहाँ पे USB-C पोर्ट से आप इनको चार्ज कर सकते हो। अब ये जो ईयरफोन्स हैं, ये ऑल्दो ड्यूअल ड्राइवर डिजाइन के साथ में आते हैं, बट स्टिल काफी लाइट वेट है और आपको ज्यादा बिल्कुल भी ऐसा बल्की फील नहीं होगा। और कान में जो फिट है वो, आई मीन इट्स क्वाइट कंफर्टेबल टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अब इनके कुछ स्पेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ब्लूटूथ 5.3 को ये सपोर्ट करते हैं। हमारे पास में साइड में दोनों ही इन ईयरफोन्स में एक टच पैनल हमको मिलता है, तो अब आप स्लाइड करके वॉल्यूम कम या वॉल्यूम ज्यादा कर सकते हो, विच इज सच एन अमेजिंग कन्वीनियंस। बाकी आपको सिंगल टैप, डबल टैप, प्रेस एंड होल्ड, ट्रिपल टैप पे, यू नो, आपको सॉन्ग को स्किप करना है, रिवाइंड करना है, आपको ट्रैक बदलना है, या फॉर एग्जाम्पल आपको कॉल आ रहा है आपको उसको उठाना है या रिजेक्ट करना है, तो वो सारा बड़े आराम से कंट्रोल अपना कस्टमाइज कर सकते हो। और ये आते हैं एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ में, और जो लेवल पे ये नॉइस को हटा पाते हैं वो है अप टू 49 dB, विच इज रियली गुड। दोनों ईयरफोन्स में यहाँ पे आपको तीन तीन माइक्रोफोन्स मिलते हैं, और तीन तीन माइक्रोफोन्स का मतलब ये है कि जो कंप्लीट कैंसिलेशन है, यू नो, नॉइस का, अगर हम फोन वगैरह बात कर रहे हैं तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको काफी अच्छा मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म यूजेज की, तो वो आपको अच्छे से यहाँ पे एंजॉय करने का मौका मिलेगा, बिकॉज जो बैटरी लाइफ है, अगर आप नॉइस कैंसिलेशन को यूज ना करें और 50% वॉल्यूम पे किसी ट्रैक को प्ले करते हैं एक स्टैंडर्ड मोड में,
हाई रेज ऑडियो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये आपको 10 घंटे तक का बैकअप देंगे इस डायरेक्टली ईयरबड के फॉर्म में, और अगर हम केस को साथ में जोड़ लें तो बैटरी जाती है अप टू 44 आवर्स। लेकिन क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा था हाई रेज ऑडियो की भी, तो बता दूं कि यहाँ पे जो कोडेक्स हैं उसमें AAC है, SBC है, लेकिन साथ में LHDC भी है, यानी आपको हाई रेज ऑडियो का मज़ा इनमें मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे गूगल के फास्ट पेयरिंग को सपोर्ट करते हैं, IP55 यहाँ पे हमको रेटिंग मिल जाती है, 94 मिलीसेकंड की यहाँ पे आपको लेटेंसी मिलती है, तो मतलब अगर आप गेम्स वगैरह भी खेल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन यूजुअली अगर हम कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो ज़्यादा बेटर सूटेड होगा इनके लिए कि आपको पता है कि हाँ आप अगर एक वीडियो देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें ऑडियो वीडियो सिंक का कोई भी इशू नहीं है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दीज आर बेसिकली यू कैन से कि एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। उसका रीजन ये है कि ये कोई प्रो मॉडल नहीं है, दिस इज द स्टैंडर्ड बड्स 3, और आप जो एक्सपेक्ट करते हैं इसकी प्राइस रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उससे कहीं ज्यादा ही आपको मिलता है। मतलब बैटरी की बात कर लें, लुक्स की बात कर लें, ये आपको स्लाइड जो वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है, कन्वीनियंस जो ऐड करता है उसकी बात कर लें, या ओवरऑल ड्यूअल ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी है। बिकॉज देखो इंडियंस को हमको बेस पसंद है, मतलब यू नो वी नीड वो म्यूजिक में जो धमधम वाला पूरा मजा होता है, और यहाँ पे क्योंकि ड्यूअल ड्राइवर्स हैं आपको एक ड्राइवर डेडिकेटेडली काम करता हुआ मिलता है फॉर लोअर फ्रीक्वेंसीज, तो जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है ओवरऑल म्यूजिक का वो अच्छा मिलेगा। और इनफैक्ट जो ट्रांसपेरेंसी मोड है फॉर एग्जाम्पल अभी एक्टिवेट हो गया है और मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी आवाज़ भी आ रही है, आसपास की आवाज़ भी आ रही है, तो मतलब नॉइस कैंसिलेशन, बिकॉज ये एक बहुत ही ट्रिकी चीज़ है, कई बार अगर ढंग से अचीव ना करो तो बहुत आपको अजीब सा साउंड होता है, लेकिन यहाँ पे एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। और ये है OnePlus Buds 3, बाकी ड्यूअल पेयरिंग को सपोर्ट करते हैं और क्विक पेयरिंग वगैरह है, मतलब वो सारे आपको ऑप्शंस वगैरह मिलते ही हैं। आपके पास में सपोर्ट है Hey Melody ऐप का अगर आपको यूज़ करना हो तो, अदरवाइज OnePlus का अगर आपके पास में डिवाइस है तो आपको सीधा ब्लूटूथ मेन्यू के अंदर ही सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं टू कंट्रोल एंड टू यू नो कस्टमाइज जो आपको चाहिए कंट्रोल अपने हिसाब से। तो गाइज ये हैं OnePlus के बड्स 3, और जैसा OnePlus बोलता है हारमनी अनफिल्टर्ड, तो वैसे ही आपको अनफिल्टर्ड पूरा मज़ा मिलेगा म्यूजिक का, और अगर इस फोन के साथ में आप इसको मैच करेंगे तो दिखने में भी काफी एक्साइटिंग लगता है। प्राइस रेट 5,499 रुपीज। आप बताइए व्हाट्स योर टेक, आपका क्या कहना है इन बड्स के बारे में, कैसे लगे आपको, और अगर आपको ब्लू पसंद नहीं है तो इनका एक दूसरा कलर भी आता है, बट मुझे बताने क्यों ब्लू थोड़ा सा यूनिक थोड़ा हटके थोड़ा अच्छा लग रहा है। व्हाट्स योर टेक नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।